तो चाहने से नहीं ना होगा। शादी कभी एक महीने भी नहीं बीते और पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ पकड़ी जाती है, यह घटना छपरा का बताया जा रहा है। आपको हम बता दें, उसका साफ तौर पर आरोप है कि हमारे घर वाले जानते थे, बावजूद इसके हमारा शादी जो है वो जबरन कर दिया गया है। आप देखिए किस प्रकार से जो लड़की है बेबाक तरीके से बता रही है कि हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि एक शख्स जो है वहाँ पर पूछ रहा है क्या कमी है तुम्हारे पति में, तुम क्यों नहीं रहना चाहती उसके साथ में। तो उसका साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते थे कि अपने प्रेमी से शादी करें, पर हमारे जो घर वाले हैं उसका जो शादी है जबरदस्ती करवाए हैं उसके पति के साथ में। देखिए किस प्रकार से पत्नी जो है अपना जो बात है अपना सभी के सामने रख रही है। तो आप सुन रहे हैं किस प्रकार से जो लड़की है अपनी बातों को रख रही है और लड़ने के कगार पे है, वो बातों को अपने इस प्रकार से बता रही है जिसे कि उसका साफ तौर पर कहना है कि पति के साथ वो नहीं रहना चाहती है, वो अपने प्रेमी के साथ रहेगी। पूरा वीडियो को आप देखिए। शादी कब हुई थी? 11 मार्च कब? साल 2024 का। 24 में इसी साल हुआ है, 11 मार्च शादी हुआ है। अभी महीना भी नहीं लगा। तुम्हारा क्या कहना है वो बोलो। देख रहे हैं आप किस प्रकार से जो पत्नी है अपने पति के साथ नहीं रहने के लिए एकदम तत्पर है और बता रही है कि हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे। घर वालों की जबरदस्ती से उसने शादी किया है और उसके बाद अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने को वो बिल्कुल तैयार है। वो साफ तौर पे थाने में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है आप देख पा रहे होंगे। तुमको तलाक लेना पड़ेगा ना? अच्छा, तो आपने देखा इस वीडियो को किस प्रकार से एक पत्नी जो है शादी के एक महीने भी नहीं बीते हैं उसके बावजूद अपने प्रेमी के साथ पकड़ी जाती है और उसके बाद पूछने पर वो बोल रही है कि हमारा शादी जो है वो जबरन कराया गया है और अपने प्रेमी के साथ में रहना चाहते हैं। तो आपको हम बता दें इस तरह की जो कई सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिससे समाज में कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा है। तो माता पिता को भी अपनी बेटियों की जो शादी है करने से पहले उसकी रजामंदी पूछनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद अगर इस तरह से होता है तो दो परिवार बदनाम होते हैं, समाज में एक गलत संदेश जाता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।